CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला भारत की महान विभूतियाँ। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है ये कार्यक्रम वीर सावरकर। काल स्वयं मुझे डरा रहा है, मैं काल से नहीं काले पानी का काल कूट पीकर, काल के कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूं, और फिर भी मैं जीवित हूं। ये थी वीर सावरकर द्वारा रचित उनकी अपनी कविता। ये वे शख्स थे जो अंडमान में समुद्र के काले पानी से ढके सेलुलर जेल में एक कैदी की जिंदगी गुजारते हुए भारत की स्वाधीनता के सपने बुन रहे थे। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी में महाराष्ट्र में नासिक के निकट भगुर गांव में हुआ था। महाराष्ट्र को उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और मां का नाम राधाबाई था। इनके दो भाई भी थे। जब ये मात्र 9 वर्ष के थे तभी पहले इनकी मां और फिर पिता दोनों का देहांत हो गया। सावरकर की प्रारंभिक शिक्षा शिवाजी विद्यालय नासिक में हुई। ये बहुत संवेदनशील थे। जूनियर हाई स्कूल में इन्होंने ग्लोरी ऑफ हिंदुस्तान लेख लिखा। इसमें मुस्लिम दंगों के खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट किया गया था। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने भारत के इतिहास की पुस्तकों का गहरा अध्ययन कर लिया था। एक दिन सावरकर पढ़ाई कर रहे थे। When the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. तभी इनके बड़े भाई गणेश बाबा राव वहां आए। विनायक, इतनी रात तक पढ़ाई कर रहे हो? क्या कहूं भैया, इतना कुछ है जानने के लिए कि लगता है अभी मैंने पढ़ा ही क्या है। तो क्या पढ़ाई जारी रखने का इरादा है? जी, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है, अगर अगर आप आज्ञा दी तो। नहीं तो। अरे अरे अरे, इसमें संकोच की क्या बात है? मुझे तुम पर गर्व है विनायक। शाबाश, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। जितना जी चाहे उतना पढ़ो और देश का नाम रोशन करो। सन 1902 में विनायक दामोदर सावरकर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। सावरकर क्रांतिकारी गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहे। '1904 में इन्होंने अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उस समय स्वदेशी आंदोलन पूरे जोरों पर था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं थी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और आत्मनिर्भरता। सावरकर ने तिलक की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित एक सभा में अपने कॉलेज के मित्रों के साथ मिलकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। अभिनव भारत के क्रांतिकारी साथियों, वक्त आ गया है गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ फेंकने। हद तो ये है कि जो वस्त्र हम पहनते हैं वो भी विदेश में बनते हैं, अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में। क्या स्वाभिमान मर गया हमारा? नहीं। वक्त आ गया है अपने उस सोए स्वाभिमान को जगाने का, और उसके लिए पहला कदम है विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का। ठीक कह रहे हो। तटस्थ कर
कर लो, विदेशी वस्त्र जलाओ, विदेशी वस्त्र जलाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्त्र जलाओ, स्वदेशी अपनाओ। इसके बाद इन पर कॉलेज के छात्रों को भड़काने का आरोप लगाकर इन्हें निष्कासित कर दिया गया। परंतु इस सब के साथ भी विनायक सावरकर अपनी शिक्षा पूरी करने में लगे रहे। तिलक की अनुशंसा पर सन 1906 में सावरकर को श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति दी गई ताकि वे कानून की पढ़ाई पूरी कर सकें। और तब विनायक दामोदर सावरकर लंदन चले गए। लंदन में भारत भवन यानी इंडिया हाउस में भारतीय छात्रों की रहने की व्यवस्था थी। सावरकर भी वहीं ठहरे। पढ़ाई तो लंदन पहुंचने का एक जरिया थी। दरअसल इन्होंने अंग्रेजों के गढ़ में रहकर उन्हें वहीं से ललकारने का निश्चय कर लिया। इन्होंने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की लौ जगाने के लिए अनेक लेख लिखे। सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस कृति का सृजन किया। इसमें उन्होंने 1857 के संग्राम को आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया। इसने ब्रिटिश सरकार को चौंका दिया था। इन्हीं दिनों इनका परिचय मोहनदास करमचंद गांधी से हुआ। उस समय तक उन्हें महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के प्रति अन्याय के विरोध में आवाज उठा रहे थे। वे असहयोग आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी इसमें सावरकर का साथ चाहते थे। वे दोनों उस समय युवा थे। सावरकर ने उन्हें अपने यहाँ दावत का निमंत्रण दिया। आइए आइए श्रीमान, आप ही का इंतजार था। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप व्यस्त हैं? बस हुआ ही समझो। वाह क्या मछली बनी है, आप चखेंगे? सुनो सावरकर, मैं तुमसे एक खास बात करना चाहता हूँ असहयोग आंदोलन के बारे में। श्रीमान जी पहले खाना और फिर कोई काम दूजा। बहुत ही स्वादिष्ट मछली बनाई है मैंने, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। आइए ना पहले खाना खा। सावरकर मैं शाकाहारी हूँ, इसमें तो तुम्हें मेरा असहयोग ही मिलेगा। अरे भाई अंग्रेजों की ताकत को चुनौती भी तो देनी है, शरीर में शक्ति भी तो होनी चाहिए। उन्हें चुनौती देने के लिए मन की शक्ति चाहिए, ये मेरा रास्ता है। पर मेरा रास्ता जरा आक्रामक है। सावरकर मेरी रणनीति पर विचार जरूर करना। जरूर सोचूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। अरे ऐसे कैसे बिना कुछ खाए? नमस्कार। खैर श्रीमान जी मंजिल एक ही है, मिलेंगे फिर कभी रास्ते में। ऐसा माना जाता है कि सावरकर ने पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में सन 1907 में अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस सभा में मैडम कामा ने लहराया था। आठ अप्रैल सन 1911 सावरकर पर नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या का आरोप लगा। इन्हें 10 वर्ष की काले पानी की सजा सुनाई गई। जब इन्हें लंदन से पोर्ट ब्लेयर ले जाया जा रहा था तब सावरकर गहरी सोच में डूब गए। क्या मैं बंदी बना दिया जाऊंगा? मेरा लक्ष्य तो भारत की आजादी है, तो क्या मुझे यहां से भागना होगा? हाँ अब तो यही करना होगा। Thank you.
अब तो पैदल भी चल के अब छोड़ दो। सावरकर की कोशिश बेकार गई। इन्हें फ्रांस के तट पर पकड़ लिया गया। यहां से सावरकर की जेल यात्रा शुरू हुई। युवावस्था के सुनहरे 10 साल इन्होंने जेल में बिताए। जेल में जब कुछ रियायत मिली तो इन्होंने बहुत सारी हिंदी की पुस्तकें मंगवाई। कैदियों को हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। जेल में जैसे ताजगी भर गई। साथ ही पंजाबी, मराठी, गुरुमुखी की भी पुस्तकें पढ़ने को दी जाने लगीं। इन्होंने मराठी भाषा में साहित्य रचना की। उपन्यास, नाटक, कहानी, लेख, कविताएं, आत्मचरित्र, सब विधाओं में उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने 10,000 से ज्यादा लेख मराठी भाषा में लिखे और 1,500 से ज्यादा लेख अंग्रेजी भाषा में लिखे। उनकी लिखी 40 पुस्तकें आज उपलब्ध हैं, जिनमें मेरा आजीवन कारावास वो रचना है जिसमें सावरकर ने अंडमान में काला पानी की कैद से जुड़े अनुभवों को साझा किया। सन 1931 में सावरकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आयोजित अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, प्यारे देशवासियों, आपको यह समझना होगा, हमारे देश और समाज के माथे पर कलंक है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत। जब तक हम ऐसे जाति पाति ऊंच नीच के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक हमारे ये शत्रु हमें लड़वाकर हमें विभाजित करते रहेंगे और ये हम पर राज करते रहेंगे। तो इनकी बातों में मत आना। याद रहे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसी वर्ष यानी सन 1921 में ही इन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद तो ये पुनः 6 बार अध्यक्ष बनाए गए। गांधी जी के आह्वान पर सारा देश साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था और 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जब स्वतंत्र भारत का झंडा शान से आकाश में लहरा उठा। श्री विनायक दामोदर सावरकर हमें प्रेरणा देने वाला ये महान व्यक्तित्व 26 फरवरी सन 1966 को मृत्यु की गोद में सो गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज वीर सावरकर को हमारा प्रणाम। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें, याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोलू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। वीर सावरकर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख कामिनी भटनागर, कलाकार नीरज शर्मा, बाबला कोचर, ममता मलकानी, किशोर सहजानी, वैभव श्रीवास्तव और सुनील लोहिया, ध्वनि अंकन बटी लैंग लिंगडो और मयंक कुमार,
निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।